हेलो फ्रेंड्स, निशा भाटी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने ब्लॉग किया है सुबह से शुरू, क्योंकि आज मुझे थोड़ा काम था, इस वजह से मैं कुछ ब्लॉग बना नहीं पाई। तो देखिए, आज मैं बना रही हूँ इडली। और शाम इडली कैसे बनाते हैं, तो इडली के लिए देखिए मैंने चावल लिया है। चावल इसमें आप नॉर्मली चावल ले सकते हो, खीर वाला, ये देखिए ये वाला चावल है। इसमें जो सस्ता वाला चावल भी आप इडली में डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है बासमती चावल ही यूज करो। तो मैंने सस्ता वाला चावल ही लिया है, ये 20 रुपीज़ या नहीं 20 रुपीज़ नहीं, सॉरी 30 रुपीज़ केजी आता है, ये खीर वाला चावल बोलते हैं इसे। तो मैंने वो लिया है और इसमें हम भिगोएंगे। अब भिगोने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। मैंने एक कटोरी चावल इसमें डाल दिए हैं, तो देखिए एक कटोरी ये हो गई। और इसमें मैंने हल्का सा घी में थोड़ा मिक्स कर लिया है चावलों को, ये देखिए हल्का सा मैं घी डालती हूँ चावल में, ताकि ये और अच्छे से, पहले मैं इसको हल्का सा घी लगा के रखा था मैंने, तो ये चावल है वो अच्छे से, इसमें खुशबू आती है इडली में, मैं घी लगा के ही बनाती हूँ। तो देखिए एक कटोरी, दो दो, तो तीन कटोरी मैंने लिए हैं चावल। और जो दाल है वो दाल इसमें धोवा उड़द दाल होती है, जो काली दाल होती है वो धुली हुई होती है, वो इडली में यूज होती है। तो जैसे कि मैंने इसमें लिए, तो एक कटोरी में ले लूँगी इसमें दाल, ये देखिए एक कटोरी दाल ये हो गई। और आप लेना चाहे तो और थोड़ी सी ले सकते हो। और डोसा भी इसी से बनता है, चावल और दाल से, इसी दाल से और यही चावल से। ये देखिए मैंने 1.5 कटोरी दाल ले ली है और 3 कटोरी मैंने चावल ले लिए हैं, ये देखिए। और अब मैं इनको भिगो दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें पानी डाल दिया है और दाल और चावल को अच्छे से धुलाई करके, तब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और अब इसको हमें, जैसे मैंने अभी सुबह भिगोया है, टाइम हो रहा है अभी 11 बज चुके हैं, तो 11 बज चुके हैं, तो अभी मैं इसको भिगोने दूंगी जैसे 11, और मैं इसको रात को पीसूंगी कम से कम 8 बजे, 8 बजे के करीब मैं इसको पीस दूंगी। इडली के इस पेस्ट को पीस के दिखाऊंगी मैं आपको कितना बारीक पीसना है इसको, और फिर मैं आपको पीसने के बाद में, और इसको फिर बनाएंगे हम सुबह सुबह, आप कभी भी बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको भिगोने के लिए रख दिया है। ये देखिए इस तरीके से इडली का जो पेस्ट है वो पीसा जाता है, ये देखिए। और भिगोना मैंने आपको दिखाया हुआ है किस तरीके से भीगता है, और इसका जो है इस तरीके से देख सकते हैं आप। और अगर जैसे सर्दी का मौसम है, आपकी इडली नहीं फूल रही है, तो इसमें आप 10 मिनट पहले इनो डाल के रख दें, तो ये अच्छे से फूल जाती है। और ये इस तरीके से इडली का बर्तन होता है। देखिए मैंने नीचे पानी डाला हुआ है और मैंने इडली चढ़ा दी है, इसमें रख दिया है। इस तरीके से हम इसमें पेस्ट डालेंगे, देखिए, और इसको हम ढक देंगे और गैस को चला के रख देंगे। धीमी धीमी गैस पे इसे पकने देना है, ये देखिए। और इसको हल्का सा भाप निकलने देंगे इसकी हल्की सी, ताकि इडली पे जो भाप का पानी होता है वो ना गिरे। ये देखिए मैंने इडली को रख दिया है, और सांवर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसके लिए बनाई है मूंगफली की चटनी, ये वाली, ये देखिए इस तरीके की चटनी रहती है इसकी। और मैंने बनाया है सांवर, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बना लेते हैं इडली और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से बनती है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इडली बन के तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये वाली। और मैंने इनको निकाल लिया है, अभी इसको हम एक चम्मच से निकाल लेंगे इसके अंदर से। तो बहुत ही सिंपल ही है, क्योंकि अभी हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इडली बनके तैयार हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कितनी स्पंची बनी है ये, और बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में भी। आप देख सकते हैं मैंने सांभर बनाया है और मैंने इसके साथ मूँगफली की चटनी बनाई है। आप चाहें तो नारियल की भी बना सकते हो इसके साथ में, लेकिन मैंने मूंगफली और हरी मिर्ची को पहले फ्राई किया था, उसके बाद मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है बनने के बाद में ये। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दी है इडली कैसे बनती है और सारा कुछ इसको समझाया है मैंने इस वीडियो में आपको। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी इडली।
तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो का एंड और मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो टेक केयर फ्रेंड्स।